बंदो कर अनुराग एकांकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सो सुख होटल गुर सेवी आए दर्शन परसे आए गुरु का जन्म मरण दुख जाए कलगी धर श्री मुख मुस्कने हे प्रसन्न कृपा रस सने रहो मूल तो सब किछ होवै शाखा पत्र फूल फल जोवै वाहिगुरु जी गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल करके बैठी हुई गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो सतगुरां दे दरबार विच बैठ के आपां हर रोज़ लड़ीवार जो कथा है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन के विचों सरवण करते हाँ। पिछले दीवान के अंदर यह बचन सरवण किए सन कि जिस वेले जंग करन वास्ते पहाड़ी राजिया की फौज पहुंची है ते सतगुरु जिया ने उस वेले एक सिख दे राही सुनेहा भेजिया कि जेड़े उदासी साध ने उन्हां नूं कहो कि जंग वास्ते तैयार होण। जदों ये सुनेहा उदासी साधां नूं मिलिया रातों रात सारे भज गए दौड़ गए किसे सिख ने ये बचन सुन के उस वेले पातशाह की कहन लगे वो आपां अज सरवण करांगे आओ मन दा ध्यान टकाइए मिलके आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। कलगी धर श्री मुख मुस्कने कलगी धर पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां नूं जदों दसिया सिखां ने आ के कि महाराज उदासीए साध दौड़ गए ये बचन सुन के धन कलगीधर पातशाह महाराज साहब जी थोड़ा जिहा अपने मुख दे विचों मुस्कुराए हन। हे प्रसन्न कृपा रस सने सतगुरु पातशाह जी उस वेले बड़े प्रसन्न होए उदासीए साध दौड़े ने ये खबर मिलन दे करके महाराज दुखी नहीं होए परेशान नहीं होए महाराज प्रसन्न हो के कृपा दे घर विच आ के पातशाह ने मुखों बचन आखे हन। रहयो मूल तो सब किछ होवे सिख ने आके दसिया महाराज एक कृपाल चंद नाम का जिहड़ा मुख साधु है ना साधुआं का जथेदार वो बैठा होया चौंकड़ा मार के वो नहीं गया बाकी सारे चले गए। ये बचन सुन के महाराज कृपा करके कहन लगे जदों मूल रह गया तो उहदे तों ही सारा कुछ हो जाएगा मूल तो भाव मुढ़ जे बाकी सारे दौड़ गए ने ते तां की होया पर मुढ़ तो रह गया है ना तो कहन लगे मुढ़ तो ही सब कुछ हुंदा है शाखा पत्र फूल फल जो वै क्योंकि जे मुढ़ जड़ां धरती विच लगियां ने रुख की लंबाई भी वधदी है आकार भी वधदा है पत्ते भी आ जांदे टाणियां भी बन जांदियां उन्हों फल तो फुल भी लग जाते
ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੜ ਉਖਰਤ ਇਸ ਬਾਰਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਜਾੜੀ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਬਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ੂ ਅਕਾਰਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀਏ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਧੂ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਜਾਤੇ ਇਹ ਟੂਟ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਦੇਖ ਨਾ ਚਲਤ ਹੋ ਤਾਂ ਹੂਟ।